आखिर हिंदुओं के आतंकी होने पर क्यों छिड़ी बहस? क्या हिंदू आतंकवादी होते हैं? देश में हिंदू आतंकवाद पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है और इस बार इस बहस की शुरुआत हुई है हरियाणा से। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता और हिंदू आतंकवाद जैसी कोई संज्ञा हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, विज ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने का आरोप भी मढ़ दिया। विज ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले पाकिस्तानियों को इसलिए रिहा कर दिया ताकि ठीकरा उनके सर फोड़ा जा सके, जिसे कांग्रेस ने कभी हिंदू आतंकवाद कहा था। विज ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार का खेल था और सरकार के कहने पर ही उन पाकिस्तानियों को छोड़ा गया होगा। इनका मकसद राजनीतिक प्लॉट को साबित करना था कि हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद है, जबकि हिंदू कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता। यदि हिंदू आतंकवादी होते तो आज पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं होता और खत्म हो गया होता। हालांकि विज का बयान सामने आते ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया और कहा, उन्होंने सही कहा है, एक हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, एक संघी आतंकवाद हो सकता है। आपको बता दें कि हिंदू आतंकवाद पर ये बहस कोई नई नहीं है। सबसे पहली बार साल 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कांग्रेस की जयपुर चिंतन शिविर में कहा था कि बीजेपी और संघ के शिविरों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस वक्त भी शिंदे के इस बयान को लेकर बवाल मचा था और दिग्विजय सिंह की जंग के बाद भी फिर से बवाल मचना तय है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।